तो अभी मैं जहाँ पे केस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली केस क्या है, वो केस ये है कि सपोज मैंने इसी रिंग पे, अगर सपोज मैंने यहाँ पे सीएल और सीएल लगाया, ठीक है, और मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इसके वैलेंसी काउंट करते हैं। देखो भाई, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा हमें चेक करना है। हमें चेक करना है तो भाई यहाँ पे मेरे पास में कितनी वैलेंसी है इसकी, SP3 है कि SP2 है ये कार्बन। जल्दी पॉज। यस, आंसर इज SP3। तो यहाँ पे दो वैलेंसी और खाली है, तो वो दोनों एज रहेंगे, वो ऐसे आएंगे। अब हमें पता है जैसे ही तुम ये ओरिएंटेशन ड्रॉ करो, तुम्हें तुरंत समझ में आना है कि ये ओरिएंटेशन गलत है। बिकॉज अब ये कैसे आएगा, किस किस ओरिएंटेशन में आएगा, अपने फिंगर्स तुम प्लेस कर सकते हो, किस ओरिएंटेशन में आएगा, ऐसे ये वाला ओरिएंटेशन रहेगा, तो वेज डैश में आएगा। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP2। तो SP2 की वजह से, जैसे बेंजीन का था अभी सिस्टम, सीएल के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये एक्चुअली इसी प्लेन में रहेगा और ये भी SP2 इसी प्लेन में रहेगा। जब ये दोनों इसी प्लेन में रहेंगे तो मेरे पास में इसको अप डाउन करने का कोई स्कोप ही नहीं है, जो दोनों चीज़ें अप, एक अप एक डाउन, ऐसा कोई केस ही नहीं है। ये सिंपली मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा केस बन जाएगा जैसे ये दोनों एच कैसे रहेंगे, एक वेज पे, एक डैश पे और एक सीएल। सीएल जो है ये एग्जैक्ट ओरिएंटेशन में, दिस इज इट्स ट्रू डायग्राम, ये इसका ट्रू डायग्राम है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज़ मैंने यहाँ लिखी है उतना कॉपी करनी है। तो सिंस ये ट्रू डायग्राम है, तो दिस शोज जीआई और नॉट। क्या तुम इसमें एक ही कार्बन के कुछ ग्रुप्स इंटरचेंज करके उसके अराउंड जो एटम्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज करके कुछ जीआई दिखा सकते हो? इसका आंसर है जीआई इज नो। तो ये हमारे पास में डबल बॉन्डेड अगर रिंग हो तो उसके साथ में, तो हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखो, चेक वेदर द टू कंपाउंड्स शोन आर जीआई और नॉट, एंड इफ नॉट एस्टैब्लिश द रिलेशन फर्स्ट। यहां पे कैसा ओरिएंटेशन आएगा एटम्स का, फिंगर्स प्लेस करके कोशिश करो इमेजिन करने की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक मिनट, फ्यू सेकेंड्स का पॉज दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कितने एटम लगाने हैं, दो, डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, दो। कैसा आएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं इसलिए ऐसे आएगा। हाँ, सपोज मेरे पास में वेज पे ए। अच्छा, अब मैंने और कुछ नहीं बनाया तो अंडरस्टूड है कि डैश पे क्या है, एच है। यहाँ पे कैसा है, फिर वेज डैश, जब मैं स्क्वायर को फुल फ्लैट स्क्वायर की बजाय इस ओरिएंटेशन में लेके आ जाऊँ, तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे पास वेज डैश थे वो क्या होंगे, वो स्ट्रेट होके तुम्हें अप डाउन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो मैं बताऊँ तो शुरू शुरू में एक्चुअली ड्राइंग के लिए ये फॉर्म ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं एज कम्पेयर टू वेज डैश।
तुम्हें 1, 2, 3, 4 इन चारों कंपाउंड्स में तुम्हें बताना है दोनों कंपाउंड जीआई हैं कि नहीं। मैं बताऊं तो जिनको थोड़ा सा एवरेज समझ में आया हो उनके लिए बस यही टास्क है, तुम यस और नो आंसर कर दो कि जीआई है कि नहीं। ये हम लोग कैसे देखते हैं जीआई है कि नहीं, तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन एटलीस्ट टू एटम्स चेंज होना चाहिए और रोटेशन ब्लॉक होना चाहिए। रोटेशन ब्लॉक किस किस से होता है, डबल बॉन्ड या फिर रिंग 3 to 7 नंबर। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट सबसे पहले कॉपी करो। ये तुम्हारा पहला होमवर्क है, तुम सबको इसे सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। और मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो और दूसरा होमवर्क तुम्हारा वो है प्रिडिक्ट वेदर GI is possible or not for given compound। ठीक है, तो इसका जैसे इन जनरल मेथड क्या है कि जीआई होता है कि नहीं होता, ये चीज़ चेक कर, तो ये रूल्स हैं, तो इसको देखो लिख सकते हो तुम, फॉलो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले है फाइंड लॉक्ड साइट, वो साइट ढूंढो जिसके अबाउट रोटेशन ही ब्लॉक्ड हो। तो वो साइट हमने सीखी क्या क्या हो सकती है, या तो पाई बॉन्ड होगा या फिर कोई रिंग होगी। तो तुम्हारे मॉलिक्यूल में पहले ऐसी चीज़ ढूंढो, ऐसा सेक्शन जहाँ पे लॉकिंग हो, इन दो के अलावा और कोई तरीका नहीं है लॉक। नंबर टू, जब पाई बॉन्ड और रिंग तुम्हें मिल जाए फिर तुम्हें चेक करना है कि पाई बॉन्ड के अक्रॉस, अभी हमने कंडीशन क्या देखी थी, पाई बॉन्ड के अराउंड जीआई कब शो होता है, जब मेरे साथ एटलीस्ट सोच सकते हो तुम इस टाइम में दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, ये। और रिंग के अराउंड कब जीआई शो होता है, तो 3 to 7 नंबर ड्रिंग होना चाहिए, और उसमें भी मेरे पास में तुम वेज डैश बना के चेक करोगे और डिस्टेंस चेंज होगा तभी मुझे बताओगे कि जी आई शो होता है, तभी बताओगे कि जी आई शो होता है। तो सेकंड तुम्हें क्या देखना है कि डिफरेंट ग्रुप और या एटम्स अराउंड दैट लॉक साइट है कि नहीं, अराउंड लॉक साइट है कि नहीं। अगर ये मिल जाए तुम्हें तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिस ट्रांस या वेज डैश बना के, वेज डैश एटलीस्ट इमेजिन एंड सी इफ डिस्टेंस चेंजेस। कुछ सेंटेंस इंग्लिश का अगर नहीं फ्रेम हुआ तो अपने हिसाब से कर लेना, इमेजिन सिस्ट्रांस ऑफ एच डैश एंड सी डिस्टेंस चेंजेस और नॉट, ये तुम्हें चेक करना है। तुम्हारा जीआई देखने तरीका होना चाहिए ऐसा, ये तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल पैनिक मत करो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो हम इसे दोबारा देख लेंगे। तो हमारे पास में फिलहाल जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, फर्स्ट तो ये वो एग्जांपल्स हैं, तो ये दो सेक्शन जो तुम्हारे होमवर्क हैं, तो सबसे पहले तो भाई मेरा एज यूजुअल ये चैलेंज है, जो ये दोनों एग्जांपल्स, दोनों सेक्शन के सारे आंसर्स, पिछले वाले के यस और नो और इस पे पॉसिबल नॉट पॉसिबल यस और नो, सारे आंसर्स सही करके मुझे वापस सेंड करे, तो हम लोग कुछ आगे उस पर बात करते हैं। तुम्हें यहाँ तक इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही तुम्हें आगे का लेक्चर जो है वो समझ में आ पाएगा आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं अपने ड्यूरिंग क्लास सेशन के दौरान।